गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टेंथ मैथ्स के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति मानों की सहायता से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। तो आज इसी कड़ी में हम दो क्वेश्चन को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा है टेन 90 माइनस थीटा पर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर 90 हो। तो दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है, चलिए देखते हैं कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेने का। लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेते हैं तो टेन 90 माइनस थीटा अपन कॉसिक इसका थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा। तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा मतलब हमको ये पता है कि इसका जो मान होता है वो होता है कॉट थीटा बट ये कॉसिक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा। मैंने कोई भी काम नहीं किया हुआ, बस एक ही जगह चेंज किया है, टेन 90 माइनस थीटा की जगह मैंने किया है कॉट थीटा, बाकी कुछ भी नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। कॉट थीटा की जगह लिखा जा सकता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और यहाँ कॉसिक स्क्वायर की थीटा की जगह लिखा जा सकता है वन अपन साइन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा की जगह लिखा जा सकता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इधर बटे में एक साइन इधर से कैंसिल होगा तो वन ये कैंसिल हो जाएगा वन बचेगा, और नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस आधार पर अगर अब हम देखें तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू ये अपन के अपन में है ट्रांसफर के ऊपर जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे वन हो जाएगा। अब यहाँ से भी फिर से साइन थीटा कैंसिल हो जा रहा है तो हमारे पास सिर्फ बच रहा है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार से आसानी से ऐसे क्वेश्चन हम बना सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, हमारा ध्यान दूसरे क्वेश्चन पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। यहाँ बहुत सारा चीज़ें किया जा सकता है, पॉसिबिलिटीज है। हम ये कर सकते हैं कि इसको लेके हम ये चीज़ प्रूव कर दें कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी को लेकर हम प्रूव कर दें ए प्लस बी बराबर 90, या ये इसको उल्टा कर सकते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 लेके हम चलते हैं और ये प्रूव कर दें साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो चलते हैं देखते हैं किसी भी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम मान के चल रहे हैं माना साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये मान के चल रहे हैं और उसके आधार पे हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी की जगह लिखा जा सकता है साइन 90 माइनस बी, क्योंकि हमको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा की जगह कॉस थीटा या कॉस थीटा की जगह साइन 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। तो मैंने क्या किया, कॉस बी की जगह लिख दिया साइन 90 माइनस बी। तो यहाँ से साइन और साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी। अब बी को ट्रांसफर कर देते तो हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 90, जो कि हमको प्रूव करना था कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90। तो इस क्वेश्चन को इस माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, या दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि जैसा कि मैंने बताया था कि इसका जस्ट उल्टा लेके, ये पहली प्रक्रिया है। अब दूसरी प्रक्रिया पे बात करने जा रहा हूँ मैं। तो दूसरी प्रक्रिया में क्या है कि हम ये लेके चलते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 हो तो हम ये सिद्ध करेंगे साइन a इज इक्वल टू कॉस बी। तो चलिए देखते हैं, हम अब लेके जा रहे हैं माना a प्लस बी इज इक्वल टू 90। तो इस आधार पे लिखा जा सकता है b इज इक्वल टू 90 माइनस ए, मतलब जहां पर b रहेगा वहां पर मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस ए। अब चूंकि हमारे पास है cos b तो cos b की जगह मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस ए, b की जगह मैं 90 माइनस ए लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस ए, मतलब ये हो जाएगा sin a। इस आधार पर बोला जा सकता है sin a इज इक्वल टू cos भी। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान होते हैं, इनको बनाना बहुत इजी होता है। चाहे आप साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी लेकर ये प्रूव कर दें ए प्लस बी इज इक्वल टू 90, ये कर सकते हैं, या ये कर सकते हैं। दोनों में से एक ही तरीके से आपको सॉल्व करना है। दोनों तरीके बताने के पीछे उद्देश्य है कि ये है कि दो तरीका आपको ईजी लगता है, आप उससे बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि सेकेंड केस में ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 लेकर चला था और बी इज इक्वल टू 90 माइनस ए, तो उस आधार पर हमारे पास था कॉस बी इस साइड, तो कॉस b की जगह cos b की जगह मैंने लिखा 90 माइनस ए। हमको पता है cos 90 माइनस ए जो होता है वो sin a हो जाता है, तो हमारे पास आ गया sin a बराबर cos b। तो ये लेकर इसको आसानी से प्रूव किया जा सकता है।